तेरी हर गलती को मैं ये सोच के माफ करता आया हूँ कि तू एक बच्चा अबोध नादान और मूर्ख है, पर आज तूने ये साबित कर दिया कि तू एक बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ दुराचारी और दम्भी मनुष्य है जो सत्ता की मत में ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने है। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं कृष्ण हूँ, मैं वो हूँ जिसके प्रेम के लिए सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांप उठता है। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, मृत्यु मैं अनादि हूँ, इसीलिए मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। पर याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मूल बनकर रहूंगा। गर्व, अभिमान, अहंकार, ये तीनों सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं, पर इन तीनों के अर्थ भिन्न होते हैं और परिणाम भी। इन तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान को जगाती है। यहाँ तक ठीक है, परंतु जब यह भावना अहंकार का रूप ले लेती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप दूसरों से ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तब सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भावना अहंकार है जो आपको धीरे धीरे हीन कर रहा है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। अर्थात हे पार्थ, दंभ, दर्प, अहंकार, अभिमान, क्रोध और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा है।